राम महोदय, आदरणीय हमारे DSP साहब, CI साहब, थानाध्यक्ष महोदय, लदनिया थानाध्यक्ष महोदय एवं अन्य थाना से आए हुए हमारे SIT के सभी थानाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित सभी व्यवसायीगण, हमारे स्वीकृत के मेंबर और आदरणीय हमारे सभी पत्रकार बंधु, मैं सारी बातें लगभग सामने आ गई हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बात, दो तीन बातों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कल जयनगर चावल के व्यापार के लिए नामी था। यहाँ पे जितनी मिलें थी भारतवर्ष में कहीं भी इतनी मिल नहीं थी। अभी के दौर में करनाल से आगे एक तरावड़ी जगह है, उस तरावड़ी में सबसे अधिक शायद भारतवर्ष में चावल का मिल वहीं पे है। हमारे यहाँ जब वो ख़त्म हुआ सरकार के कुछ नीतियों के कारण से, यहाँ लकड़ी का व्यवसाय भी उत्तर बिहार में सबसे अधिक हमारे जयनगर से ही था। आज ये कहते हुए हमको गर्व है कि कपड़ा का व्यवसाय, रेडीमेड का व्यवसाय या कुछ अन्य व्यवसाय में हम उत्तर बिहार में अग्रणी हैं, और हमारे यहाँ का माल कपड़ा दरभंगा तक जाता है और इस पूरे ज़िले में हर जगह यहीं से माल जाता है, और नेपाल से तो जाता ही है। कपड़ा नेपाल जाने में भारत सरकार का है, नियम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए ये मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज भी व्यवसायिक केंद्र जयनगर ही है इस ज़िला के अंदर में। तो हमारे व्यवसायी लोग बैठे हुए हैं, उसी सब सारे डिपार्टमेंट के लोग, सभी लोग जो है तो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, और हम लोग सिर्फ पत्रकार बंधु को छोड़ के बहुत लोगों ने हम लोगों से आग्रह किया था कि जो तो हम लोगों को भी बुलवाइए, लेकिन नहीं, हम लोग चाहे कि सिर्फ व्यवसायी लोग ही आएं हमारे यहाँ। तो अब शुरू करता हूँ कि जब पहली मुलाकात साहब के पास गए थे हम लोग, तो बहुत कुछ इनके बारे में तब तक जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि ये IG के पास गए हुए थे। 3-4 घंटा हम लोग मधुबनी में इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत देर बातचीत हुई, लेकिन जवाब जो एक लाइन में इन्होंने दिया था कि जो परिस्थिति है वो नहीं रहेगी, इसका आश्वासन मैं देता हूँ। और इनके कहने के स्टाइल से हम लोग को समझ में आ गया था कि वो परिस्थिति नहीं रहेगी, और ये बात बहुत बड़ी बात है कि बासोपट्टी में जो मर्डर हुआ है मढ़िया में, उसका उद्भेदन हो गया, यहाँ का उद्भेदन हो गया। उद्भेदन में एक बात का आग्रह करना चाहूँगा कि जितने सबूत हैं इतना मैंने उस अपराधी के खिलाफ में आप तैयार करें कि कोर्ट से किसी लुकना के कारण से वो छूटे नहीं। अगर ओरिजिनल में वो अपराधी है तो उसको निश्चित रूप में उसको सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। SP साहब का आना हमारे लिए बहुत शुभ हुआ, और जो कुछ भी इनके बारे में हम लोग सुने थे उससे इतने कम समय में बहुत अधिक मतलब रिजल्ट आया। श्रोता पितुरे भवदीय कृत्य कर्णो चतृप्तो न तो चक्षुषी में तैर विवादम परिहर्त कामम समागतो दर्शनाय। जब आपके काम को हम लोगों ने देखा तो बहुत ही संतुष्टि मिली, आपके आश्वासन से संतुष्टि मिल रही है। हम जान रहे हैं कि आपको यहाँ भाषण देने के लिए जो है सो नहीं बोल दिए हैं, आप जो कुछ बोले हैं उसका कार्यान्वयन आप जो कहे हैं उससे ज़्यादा हो रहा है और होगा।
एक बात जरूर कहना चाहूँगा, शायद इसमें से कम व्यापारियों को झेलना पड़ रहा होगा, जो फोन आते थे हमारे शहर में एक्सटॉर्शन के लिए या जो कुछ भी, वो साहब के आने से सब कुछ बंद हो गया है, क्योंकि कुछ लोग हमारे संपर्क में थे और उन्होंने वो लोग कहना शुरू कर दिया कि जो है तो नहीं, कोई फोन नहीं आ रहा। तो सभी बात नहीं बोली जा सकती है, एक इशारे में जो कह रहा हूँ तो मैंने इस बात को समझिए। तो एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि हुई है जो ये साइलेंट मतलब आपको अच्छी है, ये जानकारी आपको देना चाहेंगे। और बात तो बहुत कहनी थी लेकिन समय बहुत लग रहा है, हम सिर्फ ये शायद से चाहेंगे कि एक लाइन और कहना चाहेंगे कि अगर जो आंदोलन के बीच में जिन लोगों ने भी भाषण दिया, हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था, अपने आप लोग जुटते गए और हम लोग चाह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, लोग वहाँ पे जो है तो दूसरे तरह के भाषण देने लगे। दूसरे दिन जो देवेंद्र जी आए थे उसमें लोग बोलना शुरू किए, ये तो सुन के आश्चर्य हुआ कि प्रशासन डरता नहीं है। साहब तो सोच के बाहर की बात है, प्रशासन डरने लगेगा तो आपकी रक्षा क्या करेगा भाई? हम लोग तो चाहते हैं कि नहीं भाई, हम लोग भी डरें प्रशासन से, लेकिन हम लोग जब डरने लगेंगे तो गुंजा तो और डर से जो सो मारे भागे फिरेगा। तो प्रशासन को डरना नहीं है, डरवाना है अपराधियों को। और वो जब तक आपके तरफ से इन पर बंधन ये लगाया जाए कि आप डरिए हमसे, हम जो है सो माने ठीक है, संविधान में जनता का बहुत ज़्यादा अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर जो उन बातों को अगर जो लागू कीजिएगा तो आपकी सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो साहब के बारे में एक और बात कहूँ कि कल जब हम लोग गए थे और बहुत कम समय में और इतने बिजी कि पूरे जिला के पदाधिकारी वहाँ पे हाजिर थे, सारे DSP लोग हाजिर थे, अंदर में लोग बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नोटिस लेके मान बढ़ाया उसके लिए मैंने दिल गदगद है और मतलब एहसानमंद मतलब हम लोग हैं इस बात के लिए, कृतज्ञ हैं कि आपने अब इतना मान दिया हम लोगों को और हम लोग गए, जो अपनी बात कहे उसको तुरंत आप माने और हम लोग निकल के आ गए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजरें बिछाएं, आप का इंतजार जो 12 बजे से कर रहे थे उस पर एक शेर कहना चाहूँगा कि नजरें बिछाएं राह में फिर भी अदा न हो, इस वक्त में जनाब के आने का शुक्रिया, हम कुछ नहीं हैं बस इनायत है आपकी, जर्रे को आफ्ताब बनाने का शुक्रिया। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।